घर में यूज़ होने वाले कपड़े हों या बर्तन, अगर प्रॉपर स्पेस ना दी जाए और रेंडमली रख दिए जाएं तो इनके टूटने, गुम हो जाने और ख़राब होने के चांसेस तो बढ़ ही जाते हैं, साथ साथ टाइम, स्पेस, मनी और एनर्जी कंज्यूमिंग भी ज़्यादा हो जाती है और महंगाई के इस चलते दौर में थोड़ा चलना मुश्किल हो जाता है। तो चलें आज अपने घर के कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजिंग हैक्स शेयर करती हूँ आपसे जो इन अबव मेंशन्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मीनिया ATF विद अ न्यू वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी यूज़ होने वाली क्रॉकरी को कैबिनेट में स्टैक करके रखने से इसकी मिसहैंडलिंग भी हो सकती है, स्क्रैचेज आ सकते हैं, टूट सकती है। बेहतर यही है कि इसको ऑर्गेनाइज करते हुए कुछ टिप्स फॉलो कर लिए जाएँ ताकि हम लेडीज़ को इस बात पर रोना ना पड़ जाए कि हाय मेरे तो डिनर सेट की प्लेट टूट गई, कप टूट गया, बाकी 5 रह गए। और अगर सेट जहेज़ का हो तो फिर तो जान आधी निकल जाती है ना? आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। मैं तो बहुत ज़्यादा, ये मेरे जहेज़ का सेट है तो इसको मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, आइडिया नंबर 1 आपसे शेयर करती हूँ। पहले तो पूरी कैबिनेट मैंने खाली कर ली है और ये जो फ्लीस के टिश्यूज़ आते हैं ना, ये बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं, तो ये आप रख लें। अगर आप ये नहीं रखना चाहते तो इसके अलावा हमारे घर में इस तरह के मैश बैग्स तो आ ही रहे होते हैं मेडिसिंस के साथ या किसी तरह भी, आजकल ये बहुत कॉमन है। तो इनका मटीरियल बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत ही अच्छे मटीरियल के बने होते हैं, तो इनको हम इनकी कटिंग कर लेंगे। इन पॉली बैग्स को ना ईजीली अपने, अगर आपने कप्स में रखना है, प्यालियों में रखना है या प्लेट्स में रखना है, तो अकॉर्डिंगली आप ना साइज़ की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और ये अब हम आगे चलकर देखते हैं कि इसकी लेयरिंग मैं किस तरह से कर सकती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि आपके पास ये पेपर बैग्स भी आते हैं, ये भी नॉर्मली आजकल आ रहे होते हैं, तो इनको भी आप ज़ाया ना करें, इनको इस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर से डोरी रिमूव करके इसको भी इसी तरह से ना मैं अपने प्लेट्स के साइज़ के अकॉर्डिंग इनको काट लूँगी। मसला यही है कि हम इनको प्लेट्स को, प्यालियों को, जिनको भी ना हम इस तरह से स्टैक करके रखें कि इनकी लेयरिंग इस तरह से हो कि इनके आपस में ना ये एक दूसरे से टच इस तरह से ना करें कि स्क्रैचेस पड़ जाएं और ख़राब ना हो। तो ये देखेंगे, मैंने ना अब ये सॉसर्स को इस तरह से लेयर करके रख लिया, ये छोटे मैश बैग्स की कटिंग मैंने कर ली थी और बड़ी प्लेट्स के लिए ये मैंने पेपर बैग्स की कटिंग कर ली है। तो अब इन सबको मैंने इस तरह से लेयरिंग कर दी है ताकि ये एक दूसरे से जब टकराएं तो स्क्रैचेस ना पड़ें और आवाज़ भी ना आए। बर्तनों की आवाज़ भी आपको पता है एट टाइम्स बड़ी ख़राब लग रही होती है। तो अब इन सबको मैंने इस तरह से लेयर करके रख लिया और प्यालियों को भी इसी तरह से मैं ऑर्गेनाइज करके रख लूँगी। अब हम आगे चल के देखते हैं कि कप्स के साथ मैं क्या करने वाली हूँ। कप्स को जो है ना हम रखते हुए इस तरह से उल्टा करके रखेंगे, वो तो नॉर्मली हम रखते ही हैं, लेकिन जो नॉर्मल रूटीन वाले कप्स होते हैं उनके लिए तो हम इस तरह कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमारे डिनर सेट के कप्स होते हैं इनको इस तरह से इनकी डंडियों को एक दूसरे के अंदर फंसा के, एक की डंडी एक के अंदर और इस तरह से आखिरी जो है वो इस तरह से मैं अरेंज करके रख दूंगी। तो आप इसको इस तरह से अगर ऑर्गेनाइज करके रखेंगे और नीचे अगर आप सॉसर रख देंगे ना, एक रख देंगे, बाकी के आपके जो कप्स की सॉसर्स हैं ना वो सारी भी आप नीचे रखते हैं तो देखें ईजीली ये फिक्स हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं हिलते। इसी तरह ये दूसरे डिनर सेट के भी कप्स को मैंने ऐसे ही अरेंज करके रख लिया है। अब ये देखें, ये पिज्ज़ा के साथ आती हैं ना ये छोटी छोटी टेबल्स, बड़ी काम की चीज़ हैं भाई ये। इनके ऊपर मैंने सिंपली क्या किया है, इनके ऊपर इस तरह से मैंने ये डबल टेप लगा ली है और अब ये देखते हैं इसको मैं किस तरह से फिक्स करने वाली हूँ। तो कैबिनेट के ना ये जो शेल्फ है, शेल्फ के ऊपर और इसकी दीवार के साथ ना मैं अपने जो मेरी ट्रेज होंगी ना उनके साइज़ के अकॉर्डिंग इनको मैंने फ़िक्स कर दिया है। तो जितनी भी ये मेरी ट्रेज है ना, ये चावल सर्व करने वाली जो डिशेज हैं उनको मैं इसके अंदर रख दूंगी, तो एट टाइम्स ये हिलेंगी नहीं अपनी जगह से। और उनके आगे इस तरह मैंने प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके रख दिया, ऊपर बाउल्स रख दिए और बाउल्स के अंदर उनके छोटे बाउल्स रख दिए हैं। तो इस तरह से ये देखें कितनी कम स्पेस में इतना सारा, इतना बड़ा डिनर सेट जो है वो आ गया, बल्कि दूसरे डिनर सेट के कप्स भी आ गए हैं। तो पहले की सिचुएशन आपने देखी थी और अब आप ये देखें कितने बर्तन आ गए हैं और बिल्कुल ऑर्गेनाइज होके मैंने रख दिए हैं और किसी किस्म की इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हिलेंगे नहीं अपनी जगह से और ना ही ये टूटेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा ये आइडिया। नेक्स्ट आइडिया भी हमारे घर के कपड़ों को लेकर है। आजकल जैसे सॉक्स का सीज़न है, बहुत ज़्यादा नॉर्मली यूज़ हो रही हैं, तो सॉक्स का मुझे किसी ने पूछा था, मैं अपने जेंट्स वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन मुझे किसी ने पूछा था कि इनको ऑर्गेनाइज करके रखने का आसान तरीका बताएं। तो ये देखें, ग्लासेस तो हमारे घर में आते ही हैं, ये जो लूज़ ग्लासेस हम यूज़ करते हैं, तो इनका ये जो बॉक्स है ना इसमें ऑलरेडी डिवाइडिंग की होती है, पार्टीशंस बनी होती हैं, तो ये बड़े काम का बॉक्स है, आपने इसको फेंकना नहीं है, आपने इसको सॉक्स के लिए यूज़ करना है। तो सॉक्स को मैं आपको तय लगाना फिर से बता देती हूँ, एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह फोल्ड करते जाएं, एंड पर आकर एक को ऊपर ओवरलैप करें और जो आखिरी वाली तय होगी ना उसको इस तरह ऊपर इसके
चढ़ा दें तो आराम से ये हमारी सॉक्स जो है ना वो फोल्ड हो जाती है और एक के अंदर दूसरी होने की वजह से गुम होने के तो चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं और ज़बरदस्त इसकी जो है वो तय लग जाती है। नेक्स्ट मेथड मैं आपको एक और बताती हूँ। इस तरह से आपने दोनों को ले लेना है लेकिन एक दूसरे के ना वर्टिकली आपने रखना है, लाइक क्रॉस का साइन आपने बना देना है सेंटर से। तो एक को लेकर इस तरह से फोल्ड करें, अब उसकी दूसरी साइड को इस तरह से फोल्ड कर लें, अब दूसरी सॉक्स की एक साइड को फोल्ड करके उसके ऊपर रखें और उसकी जो दूसरी साइड है ना उसको एक दफ़ा फोल्ड लगा के जो ऊपर का सिरा होगा ना उसको दोबारा से वापस ले आएँ इस तरह से। तो ये हमारी सॉक्स जो है ना बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई, एक दूसरे के अंदर अरेंज हो गई। ये सेकंड आइडिया मुझे ज़्यादा पसंद है, ये बहुत कम जगह घेरता है, बिल्कुल ये स्क्वायर शेप में हो जाता है। दूसरा जो है ये भी मेरा स्क्वायर शेप में है लेकिन लोग इसको करते हुए ना गोल कर देते हैं। तो इस तरह से अब आप इसको ना देखें, एक ही पार्टीशन में मेरी ये दो आ गई हैं। तो एट टाइम ये देखें एक पार्टीशन में दो होने की वजह से कितनी ज़्यादा मेरी सॉक्स के पेयर जो हैं वो कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज हो गए हैं। अब इसको इस तरह से मैं आगे चलकर अपने कैबिनेट के अपनी ड्रॉअर के अंदर रख दूंगी, आप कैबिनेट में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो गया। आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं, वो हमारा आजकल जो हमारी हुडीज़ बच्चे यूज़ करते हैं या मैं अपनी भी यूज़ करती हूँ, तो क्या हम करते हैं इसको, पहले से तो मैं इसकी ज़िपर बंद कर लेती हूँ ना अच्छे से। अब इसको मैं तय इसकी पूरी हटा के ज़िप इसकी लगा ली है। अब उसको मैं क्या करूँगी, एक साइड से ना मेथड वन आपसे शेयर कर रही हूँ। एक साइड से आप जिस तरह से नॉर्मली अपनी शर्ट्स को तय लगाते हैं ना उसके बाजू को तय लगा लें और इसी तरह से दूसरी तरफ से तय लगा लें। दोनों बाजुओं को अरेंज करने के बाद ना अब नीचे से आप शुरू हो जाएँ और इस तरह से एक फोल्ड लगाएँ फिर दूसरा फोल्ड लगाएँ। दूसरा फोल्ड लगाने के बाद आप हुडी का ऊपर का हेड वाला पार्ट पकड़ें और इस तरह इसके फोल्ड में अटका के तो उसको सीधा कर लें, बिल्कुल ये फिक्स हो जाएगा, तय जो है बिल्कुल नहीं खुलेगी और ऑर्गेनाइज हो गया। अब ये अब इसका सेकंड मेथड आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपने क्या करना है, सिर्फ इसकी जो बाजू है ना उनको फोल्ड करना है इस तरह से, बाकी हिस्से को फोल्ड नहीं करना, सिर्फ बाजुओं को आपने पहले फोल्ड करना है। तो बाजू जब फोल्ड हो जाएंगे ना तो उसके बाद आपने एक साइड से लाना है, आधा फोल्ड कर देना है शर्ट को और फिर दूसरी तरफ से इसको फोल्ड कर देना है। अब आपने इसी तरह से नीचे से आना है, एक फोल्ड लगाना है फिर दूसरा फोल्ड लगाना है और हुडी के ऊपर हेड वाला पार्ट जो है ना लाकर दोबारा से इसके अंदर इसको फिक्स कर देना है। तो ये दूसरा आइडिया भी बहुत बेस्ट है, आप ये दोनों आइडियाज़ ट्राई करके देखें। तो इस तरह से ये होगा कि आपकी हुडी जो है ना उसकी तय खुलेगी नहीं, आप उसको चाहें तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से वर्टिकली रख दें बाकी कपड़ों के ऊपर इस तरह से अपनी कैबिनेट के अंदर, चाहें तो आप इस तरह का घर में ऑर्गेनाइज़र DIY कर लें। ये ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये आप इस तरह से इसको रख लें। आई होप आपको ये दोनों आइडियाज़ पसंद आए होंगे। तो दिस वाज माय टुडेज़ कंटेंट और आपको इनमें से कौन सा आइडिया अच्छा लगा वो मुझे आप ज़रूर बताएँ। न्यू जो मेरे चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और लाइक भी कर दें, एक छोटा सा क्लिक है आपका और आप लाइक भी कर देंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।